तो गाइज वेलकम टू स्किड्स क्लीनिंग पार्ट टू। आज हम लोग करने वाले हैं स्किड्स को सेट। एक स्केट तो पिछले वीडियो में हमने कर लिया था, अब दूसरा स्केट्स स्केट होने वाला है। लो गाइज हो गया ये स्केट, अब बारी है इनलाइन स्केट्स की। उसके लिए पहले हमें बैरिंग निकालने पड़ेंगे। अगर आपको बैरिंग निकालने नहीं आते तो आप वो भी हमारे वीडियो से सीख सकते हैं। वैसे बीच बीच में हमारा भी खेलने का मन करता है, इसलिए हम खेलने लग जाते हैं। वैसे एक व्हील तो बस होने वाला है और हो गया अगले व्हील। गाइज मैं और भैया जो भी करते हैं साथ में करते हैं, जैसे कि अभी स्केट्स की सफाई कर रहे हैं साथ में कर रहे हैं, और पढ़ते हैं तब साथ में पढ़ते हैं, खेलते हैं साथ में खेलते हैं, स्केटिंग के प्रैक्टिस भी हम साथ में ही करते हैं। नहीं तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अब मैं और भैया दोनों व्हील्स की साफ सफाई में जो भैया बैरिंग निकाल रहा है और मैं व्हील्स को साफ कर रहा हूँ। भैया ने अब सारे बैरिंग उठा लिए हैं और आधे बैरिंग मेरे हाथ में दे रहे हैं, फिर आधे बैरिंग थैले में डाल दिए और मेरे हाथ से लेके आधे वापस थैले में डाल दिए। भाई सारे बैरिंग साफ हो गए, फिर उनको निकाल लेते हैं। भैया ने अब सारे बैरिंग नीचे रख दिए हैं और फिर हम वापस व्हील्स को साफ करने लग जाते हैं। गाइज मैं हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ, अगर आपको हमारी वीडियोस में कोई भी मिस्टेक लगे तो कमेंट में बता दिया करो, ताकि हम उस मिस्टेक को सही कर सकें। तो गाइज जैसे मैंने आपको पहले बोला था, हम दोनों बीच बीच में खेलने लग जाते हैं, वो आप देख ही सकते हैं अभी भैया खेलने लग गया। गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे इनलाइन स्केट्स के व्हील्स रेड मैजिक व्हील्स हैं। गाइस व्हील साफ करते करते भैया को भी प्यास लगी, पर भैया ने फिर भी व्हील साफ करना नहीं छोड़ा। गाइस हम सिर्फ पढ़ाई को सीरियस लेते हैं और ज़्यादातर जो मैं खेल ढूंढ लेते हैं। गाइस अगर आपको बैरिंग लगाने नहीं आते हैं तो जो बैरिंग में बॉल वाली साइड होती है उसको अंदर के साइड देना है और ये स्पेशल को एकदम सीधा रखना है, टेढ़ा नहीं रखना, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर बॉल वाली साइड को अच्छे से साफ करके वापस लगा देना। और दोस्तों आप इसी टेक्निक से सारे व्हील्स पर आपका व्हील रेडी हो जाएगा। एक व्हील की एक साइड साफ होने वाली रह गई थी, देखिए गाइस कितना गंदा हो रहा है ये, और हर एक व्हील इतना ही गंदा था। ये देखिएगा गाइस ये कितना अच्छा चल रहा है व्हील।
दोस्तों हमारे ब्लैक मैजिक व्हील्स भी आने वाले हैं, उनकी भी वीडियो आपको जल्द ही हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अब बारी आती है स्केट्स की फ्रेम साफ करने की, तो मैं स्केट्स की फ्रेम साफ करने लग गया। तो दोस्तों अब हम व्हील्स को स्केट्स में सेट करने वाले हैं। एक स्केट तो कर दिया हमने सेट, अब अगले स्केट की बारी है। अगले स्केट का एक व्हील तो मैंने जोड़ दिया था और अब और बाकी के भैया जोड़ देगा। तो ये हैं जो हमने इस पार्ट और पिछले पार्ट में साफ किए थे। बाय गाइस।